नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ चोक के बारे में। जो कार्बोरेटर के अंदर चोक लगी होती है, इस चोक का फंक्शन क्या होता है, इस चोक का फंक्शन आज हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो फंक्शन है कार्बोरेटर का वो है क्या, इस चोक के फंक्शन को समझने के लिए। तो इसके अंदर देखिए, पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं। ये है फ्लोट चैम्बर, इसको बोलते हैं फ्लोट चैम्बर। इसको फ्लोट चैम्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लोट होता है। ये है फ्लोट। ये जो फ्लोट है, ये इस फ्यूल के ऊपर, जो हमारा फ्यूल ऑयल टैंक से आता है, ये फ्यूल के ऊपर फ्लोट करता है। तो फ्यूल टैंक से जो फ्यूल आएगा, तो यहाँ पे फ्लोट करता रहता है और इसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। जैसे ही इसके अंदर ज्यादा फ्यूल की क्वांटिटी होती है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इसको क्लोज कर लेता है। तो जैसे ही फिर फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है, फिर ये ऑयल टैंक से, जो फ्यूल टैंक है हमारा, उससे फ्यूल लेता है और फिर से ये फ्लोट करने लग जाता है। तो इस तरह से ये फ्यूल की क्वांटिटी को मेंटेन रखता है फ्लोट। जब ज्यादा होती है तो यहाँ पे क्लोज कर देता है, और जैसे कम होती है तो यहाँ से ये फ्यूल लेता है ऑयल टैंक, फ्यूल टैंक से। तो इस तरह से ये हमारा फ्लोट चैम्बर काम करता है, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर पे होता है। इसके साथ ये कनेक्ट होती है मेन लाइन जो कि फ्यूल को सप्लाई करती है। तो ये कनेक्टेड है, ये मेन लाइन है, इसको हम बोलते हैं मेन जेट, या जेट आप इसको बोल सकते हैं, जो मेन जेट है, जो कि फ्यूल की सप्लाई करेगा। फ्यूल की सप्लाई किस तरह से होती है, जब यहां से एयर पास करती है, यहां पे ये देखिए, ये लगी है चोक, इसको हम बोलते हैं चोक। और बिल्कुल इसके दूसरी साइड लगा होता है थ्रोटल वाल्व। ये होता है थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व कैसे ऑपरेट करता है, जैसे इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है, तो उस तरह से ओपन होता है और फ्यूल और एयर का मिक्सचर है आगे इंजन को देता है, इंजन सिलेंडर को देता है। तो देखिए, जब यहां से एयर फ्लो करती है और जब ये इस वेंचुरी से गुजरती है, ये वेंचुरी है, वेंचुरी मतलब यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे देखिए ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये जो वेंचुरी है, जब यहाँ से एयर गुजरेगी तो वो हाई वेलोसिटी अटेन कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, तो हाई वेलोसिटी अटेन कर लेगी। इस हाई वेलोसिटी के कारण क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट मतलब यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनेगा, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर रीजन पे है जो हमारा फ्लोट चैम्बर है। तो लो प्रेशर रीजन के कारण क्या होगा, यहाँ से जो फ्यूल है इस तरफ सक होगा, और यहाँ से ये स्प्रे के रूप में यहाँ पे स्प्रे हो जाएगा, और एयर के साथ मिक्स होके ये थ्रोटल वाल्व से आगे जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, चोक का क्या फंक्शन है। अब तो चोक देखिए किसके रास्ते में लगी है, एयर के रास्ते में लगी है चोक। तो एयर की जो सप्लाई है, हम यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं चोक के थ्रू। तो जैसे कि हमारे विंटर सीजन होते हैं, ठंड का सीजन होता है, तो उस टाइम इंजन को स्टार्टिंग होने में काफी दिक्कत आती है। वो क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम हमें रिच फ्यूल चाहिए होता है, और वो रिच फ्यूल विंटर के अंदर हमें कैसे मिलेगा अगर हम एयर की सप्लाई को कम कर दें। तो चोक जब हम लगाते हैं किसी भी बाइक की, या कोई भी हमारे पास गाड़ी है उसकी, तो उसका मतलब होता है, चोक लगाने का मतलब कि हम इस वाल्व को लगभग क्लोज कर देते हैं। तो इसके क्लोज होने से क्या होगा, बहुत ही कम सप्लाई एयर की अंदर जाती है। एयर की सप्लाई अंदर जाएगी तो एयर कम हो जाएगा, जो हम लेते हैं एयर फ्यूल रेशो, जो कि यहाँ पे जाता है इंजन सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जब एयर की सप्लाई कम हो जाएगी तो फ्यूल बढ़ जाएगा, तो इनका रेशो के अंदर जो फ्यूल की सप्लाई है वो ज्यादा हो जाएगी, तो फ्यूल की मात्रा बढ़ेगी। फ्यूल की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, इंजन जल्दी स्टार्ट होगा। तो चोक का फंक्शन क्या है, जब हम उसको लगाते हैं तो मतलब हम उसको क्लोज कर देते हैं, ताकि एयर की सप्लाई को हम बहुत ही कम कर दें, और जो फ्यूल की सप्लाई है, ताकि उस एयर के अंदर फ्यूल ज्यादा जाए तो एक रिच फ्यूल मिले हमें। तो रिच फ्यूल का मिक्सचर हमें मिलता है, और ये रिच फ्यूल मिक्सचर आगे जाता है थ्रोटल वाल्व के थ्रू, और अंदर जाके वो सिलेंडर के अंदर बर्निंग करता है। तो इस तरह से चोक का यूज किया जाता है। फंक्शन क्या है चोक का, एयर की सप्लाई को रेगुलेट करना। वैसे तो ये लगभग ओपन रहता है, लेकिन जब हम विंटर सीजन में, या हमारा इंजन जो स्टार्ट नहीं हो रहा, हमें रिच मिक्सचर की जरूरत है, तो हम चोक लगाते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, ताकि एयर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, कम हो जाए, और फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाए, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, एयर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर है रिच बनेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे
ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा जब हम इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे रिच मिक्सचर हमें मिलेगा। तो रिच मिक्सचर आगे जाएगा इंजन सिलेंडर में और वो हेल्प करेगा कंबर्शन के अंदर। तो रिच मिक्सचर इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये है फंक्शन ऑफ चोक। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।